नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार की लाभ प्रति योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 22 नवंबर से विभिन्न ब्लॉकों और शहरी क्षेत्र के वार्डों में विकसित भारत यात्रा की वैन पहुंचकर लोगों को इससे जोड़ रही है। इसी क्रम में वाराणसी के सारनाथ वार्ड के सलारपुर में विकसित भारत वैन के पहुंचने पर जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं का लाभ लिया। इस मौके पर लाभार्थियों का कहना है कि उनको सरकार की योजना का लगातार लाभ मिल रहा है। उज्ज्वल योजना से जहाँ उनका धुएं से मुक्ति मिली तो वहीं आवास मिलने से उनके घर का सपना भी साकार हुआ। इस अवसर पर 5 प्रकार के स्टॉल, पेंशन योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि स्टॉल एवं स्वयं सहायता समूह स्टॉल, बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉलों पर सर्वाधिक भीड़ रही। इस अवसर पर वंचित लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। न्यूज नाइन भारत के लिए तौफीक खान की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।